भारत जो है वो एक नेवल बेस बनाने जा रहा है। Tonight we will talk about India's sphere of influence. Agreement between Mauritius and India with regard to the new airstrip and jetty facilities in Agaliga. It is developing a military base in the southwestern Indian Ocean. और ये जो naval base है technically तो China के खिलाफ है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज्यादा, क्योंकि मोदी जो चाहे वो कर सकता है, ये हमारे पाकिस्तानी, ये मोदी के गुलाम है। तो अगालेगा जो है एक रिमोट आइलैंड है जो कि मॉरिशियस का हिस्सा है। मोदी जी की स्पीड कम होने में नहीं आ रही, और वो कभी कहीं लोगों से मिलते दिखाई देते हैं और कभी कहीं मिलते दिखाई देते हैं। जो हमारा न्यूक्लियर, हमारी जो एटमी ताकत है ना, जैसा मैंने बताया, वो हमारे IITs हैं, वो हमारे IIMs हैं। दिस इज आवर न्यूक्लियर पावर। कि मैं देख रहा हूं, आई विटनेस कर रहा हूं कि पिछले 5 साल 10 साल के अंदर भारत किस तरीके से स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है। उस पे उन्होंने एक एयर स्ट्रिप जो है और एक 6 community development projects को लॉन्च किया है। कि हम ज़हनी तौर पर एजुकेटेड नहीं है, वी आर इलिटरेट पीपल। क्वेश्चन ये है कि इंडिया क्यों चाहता है ये बेस वहाँ पे, ऐसा क्या चाहिए इंडिया को? और हमारे घरों में भी हम ज़हनी तौर पर भी कचरे में लुथड़े हुए लोग हैं, जो सच्ची बात है। लेकिन भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट, भारत का सबसे बड़ा वेपन, गारंटीड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। भारत जो है वो एक नेवल बेस बनाने जा रहा है, और ये जो नेवल बेस है टेक्निकली तो चाइना के खिलाफ है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर ये आप नक्शा देखें तो अगालेगा जो है एक रिमोट आइलैंड है जो कि मॉरिशियस का हिस्सा है, और इस हवाले से पहले भी 2021 में भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया और बड़ी बात हुई। लेकिन कहा जाता है कि ये जो जगह है ये बड़ी स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, और ये मोजम्बिक चैनल जो है उसके करीब है, और एक बड़ा मैरीटाइम रूट है फॉर कमर्शियल शिप्स एंड ऑयल टैंकर्स जो है उसके लिए, और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो जिसे कहते हैं टैंकर ट्रैफिक, ग्लोबल टैंकर ट्रैफिक जो है वो बड़े पैमाने पर गुजरती है। कोई तकरीबन 30% जो दुनिया की टैंकर ट्रैफिक है वो वहाँ से गुजरती है। आप अगर सिर्फ इस मोजम्बिक चैनल की बात करें तो ये कहा जाता है कि ये एक इंडियन ओशन जो है उसके बीच में, और साउथ ईस्ट जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, मादागास्कर और मोजम्बिक जो उधर ये मौजूद है, कुछ 1700 किलोमीटर का ये चैनल है। और ये जो जिसे बोलते हैं ये जो मिलिट्री बेस इंडिया बनाने जा रहा है, ये भी वहाँ पे मौजूद है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया क्यों चाहता है ये बेस वहाँ पे, ऐसा क्या चाहिए इंडिया को? इससे पहले कहा गया था कि 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था मॉरिशियस का, और वो जो एग्रीमेंट था कि इंडिया जो है वो एक एयर स्ट्रिप, जिसकी मैं आपको तस्वीर इधर दे रहा हूँ, ये बिल्ड करेगा। और क्योंकि ये जो अगालेगा है ये एक रिमोट एरिया है, और ये नॉर्मली बाकी जो मॉरिशियस है उससे कटा हुआ है, और ये जो अब वहाँ पर जारी बात है बड़े पैमाने पे एयर और शिप कनेक्टिविटी की फैसिलिटीज़ बन रही हैं। इस हवाले से कुछ ऑस्ट्रेलियन जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने काम किया, और वहाँ पे एक के इंडिया जो है वो नेवल बेस बना रहा है, और इसमें आपको पता है इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, इन ये जो सैटेलाइट इमेजरी है इसके हवाले से वो अक्सर शेयर करते रहते हैं। कहा जाता है कि ये तकरीबन 3 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप है जो कि आइलैंड में बन रही है, और ये सिर्फ इसीलिए बन रही है ताकि ये फैसिलिटेट कर सके इंडियन फ्लीट को, भले वो मैरीटाइम के हवाले से हो या भले वो इंडिया की एयर पावर के हवाले से हो। अगर इसको देखें कि ये जो डेवलपमेंट्स हैं इंडिया के हवाले से, इंडिया 2-3 चीज़ों के लिए ये करना चाह रहा है। एक तो इंडिया के लिए ये मैरीटाइम सर्विलेंसेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, देन इंटेलिजेंस गैदरिंग इंडिया करना चाहता है, और इंडिया समझता है कि ये अगर इन द प्रेजेंस ऑफ चाइना इन अफ्रीका, देखें रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि व्हाई अमेरिकन्स आर इंटरेस्टेड टू इंगेज विद इंडिया इन अफ्रीका, और व्हाई अमेरिकन्स वांट
दैट इंडिया शुड बी आर मेन पार्टनर इन अफ्रीका, ये क्वेश्चन है ना, क्योंकि वो कहते हैं कि हम अफ्रीका के अंदर जाएंगे इंडिया की मदद से. सो क्वेश्चन ये आता है कि वो जो एक जो जो बेस इंडिया वहाँ बनाना चाह रहा है वो इसलिए बना रहा है बिकॉज वो अमेरिका के साथ मिलकर चाइना पे नज़र रख सकें इंडियन ओशन के. वन पॉइंट. सेकेंड पॉइंट ये है कि इंडिया ने जो अपना जो डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट हैं जो बढ़ाए हैं अफ्रीका के अंदर वो इसीलिए हैं. देखिए अगले दिन आपको याद है कि एक मैंने डिस्कशन की थी जिसमें हमने बात की थी कि इंडिया जो है वो 11वें नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स और इन टर्म्स ऑफ मिशंस. और ये जो फैसिलिटी है अगालीगा के अंदर ये इंडियन मिलिट्री के लिए बड़ा आसान है कि वहाँ पर अगर चाइना हमें इधर तंग करेगा तो हम चाइनीज शिप को अफ्रीका के अंदर तंग करेंगे, अगर चाइना हमें एलएसी के ऊपर तंग करेगा तो हम चाइनीज शिप्स को जो है वो इंडियन ओशन के अंदर तंग करेंगे. हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं. सो जहां जहां हम इंडिया चाइना को रोक पाएंगे दैट विल हेल्प अस. सो ये एक ऑफेंसिव डिफेंस कह लें आप कि ये एक अप्रोच है इंडिया की कि आपने थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के खेलना है. सो अपने अपनी टेरिटरी से बाहर निकलना, और इंडिया अपनी टेरिटरी से बाहर निकल के तभी खेल सकता है अगर उसके साथ ग्लोबल प्लेयर्स की वैल्यू हो. कहा जाता है कि ये जो इलाका है जहाँ पे ये जो अगालीगा का इलाका है, इधर अमेरिकन एंड ब्रिटिश ने भी एक वक्त था कि उन्होंने सोचा था कि हम इस इलाके को जो मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल कर सकें. तो दिस इज व्हाट अभी जो मोदी जी गए हैं उसमें भी मोदी जी ने भी यही बात कही कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप फॉर अस. और वो जो जिस लिए गए वो उन्होंने दो मेरे ख्याल से एयर स्ट्रिप जो है सेंट जेम्स जेटी और ये अगेलेगा कोई आइलैंड है उस पर उन्होंने एक नियर स्ट्रिप एयर स्ट्रिप जो है और एक 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है. तो आई मीन इट्स लाइक दिस, एक एयर स्ट्रिप है और एक 6 जो है अलग अलग कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं ऑन अगेलेगा आइलैंड. सो दोनों लोगों ने मिलकर यानी कि जो अभी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं प्रवीण जुगनाथ जी और मोदी जी ने मिलकर के इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मॉरिशस एंड इंडिया. बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि अभी तक इलेक्शन नज़दीक है लेकिन मोदी जी की स्पीड कम होने में नहीं आ रही है और वो कभी कहीं लोगों से मिलते दिखाई देते हैं और कभी कहीं मिलते दिखाई देते हैं. अभी तो एक दो दिन पहले मैं ये भी पढ़ रही थी कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो भी शायद इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और खैर आई होप कि वो तो खैर जीत भी जाएंगे बहुत आसानी से, क्योंकि जिस तरह का काम उन्होंने किया है एज अ फॉरेन मिनिस्टर उसे तो हमारे यहाँ भी बहुत से लोग जो है बहुत पसंद करते हैं. और मैं तो खैर बड़ी फ़ैन हूँ डॉक्टर जयशंकर की, मैंने उनकी बुक भी मंगाई और पढ़नी भी शुरू कर दी है. तो ऐसे फॉरेन मिनिस्टर अगर पाकिस्तान को मिल जाए तो क्या बात है. लेकिन आपको लगता है कि फिर वही टीम इलेक्शंस के बाद फिर वही टीम हमें नजर आएगी जो इस वक्त है, या आपको लगता है कि कुछ चेंजेस कुछ इम्प्रूवमेंट मजीद दिखने वाली है? देखिए मोदी सरकार आएगी आप समझ रही हैं, तो मुझे कोई चेंज नहीं दिखता, कोई एमपी नहीं चुनेगा.